नमस्कार हम हरप्रीत कौर एंड अ वेलकम यू ऑल टू योर लाइव एंड इंटरेक्टिव सेशन यूर वॉचिंग आस एन पी एम ई विद्या चैनल नंबर टेन जी हाँ क्लास टेन के हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम मैथमेटिक्स का आज लाइव और इंटरेक्टिव सेशन लेकर आए हैं जिसमें हमने टॉपिक लिया है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पार्ट वन आज इस टॉपिक का हम पार्ट वन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सेशन पूरी तरीके से लाइव एंड इंटरेक्टिव है तो आपके कोई भी क्वेश्चन हैं आप प्लीज़ हमें कॉल कीजिए या फिर आप हमको ईमेल लिखिए हमारा फोन नंबर है डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है डी टी एच डॉट क्लास टेन एट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट इन कोई भी क्वेश्चन है सजेशंस हैं फीडबैक है आपका तो आप हमें इस नंबर पर इस ई मेल आई डी पर मेल कर सकते हैं और अब से कुछ ही देर में हम हमारे सेशन हमारे यूट्यूब चैनल एन सी ई आर टी ऑफिशियल पर भी अपलोड कर देंगे तो आपको जब ज़रूरत हो आप इसे रेफर कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं तो सर्फिस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पार्ट वन जी हाँ क्लास नाइन के हमारे स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स में सिलेंडर कोन क्यूब क्यूबोयड और स्फेयर uh, हैमिस्फेयर जैसी शेप्स के सरफ़ेस एरियाज़ और वॉल्यूम्स के बारे में इंडिविजुअली पढ़ा है लेकिन आज जो हमारा क्लास टेंथ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लास टेंथ का जो हमारे सेशन है इसमें जब हम सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कंबाइंड शेप्स की अब आपने देखा ही है कि जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं आ, नीचे से बिल्डिंग रेक्टेंगुलर होती है ऊपर वाला हिस्सा डोम शेप का होता है कॉनिकल शेप का होता है या फिर कोई और स्ट्रक्चर आप अपने आसपास देख सकते हैं अपने घरों में भी तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स का जो कम्बाइंड शेप्स हैं क्योंकि ना वो पूरी तरह से एक रेक्टेंगुलर है ना पूरी तरीके से एक कोन है ऐसे स्ट्रक्चर्स का कम्बाइंड सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे अगर हम बात कर लें एक सॉफ्टी कोन की तो वे एक, एक, एक

हम आपको बताना चाहेंगे मैम इज कोऑर्डिनेटर फ्रॉम गीता निकेतन आवासीय विद्यालय और मैम मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस सेशन को आगे बढ़ाएं और हमारे क्लास के स्टूडेंट्स को एरियाज एंड वॉल्यूम्स पार्ट वन सिखाएं जी बिल्कुल हरप्रीत जैसा कि आपने अभी हमारे व्यूअर्स को बताया है कि आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सी, <coughs> सी कंबाइंड शेप्स के सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स के बारे में सो द सेम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि किस तरह की शेप को अंदर mm. तो mm -hmm. आप देख सकते हैं ब्रेथ है हाइट है सो दिस इज अ थ्री शेप और अगर इस थ्री डी शेप का सरफेस एरिया हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं दे ऑलरेडी अबाउट द सेम इन देयर क्लास नाइन लेकिन अभी हम भी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे mm. जैसा की आपने बताया कि कुछ कंबाइंड शेप्स के बारे में डिस्कशन होगा तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को दिखा देती हूँ दिस इज अ अलेंडर और ये है एक कोन वी कैन ऑब्जर्व कि दोनों के जब बेसिस को हम देखते हैं तो इन दोनों ही बेसिस का जो रेडियस है वो बिल्कुल सेम है राइट right. तो अगर इस सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर हमारे व्यूअर्स ये कोन रख देते हैं hmm. तो उन्हें जो एक शेप दिखाई देती है दिस इज कंबाइंड शे विच इज फ्रेम बाई यूजिंग अ सिलेंडर एंड अच्छी सिलेंडर अगेन सिलेंडर है, है yes. लेकिन इसका जो बेस है वो दिया गया है ऊपर से खाली है hmm. और ये है एक हेमिसफियर राइट right. अगर हम एक सिलेंडर के ऊपर एक हेमिसर राइट रेडियस ऑफ बोथ ऑफ दीज आर सेम रख देते हैं तो क्या वॉल्यूम होगा इस नई शेप का या फिर क्या सरफेस एरिया होगा ये जानेंगे आज हमारे व्यूअर्स बहुत ही अच्छे से राइट तो उससे पहले लेट डिस्कस वंस कि क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं स्क्रीन uh, पर हमारे व्यूअर्स अभी देख सकते हैं देर इज अवबॉइड क्यूबॉड को थ्री डी शेप है ये हमारे व्यूअर्स जानते हैं लेकिन अगर टू डी बोर्ड पर या फिर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं तो टू डी शेप में क्यूबॉइड कैसे ड्रॉ किया जा सकता है हियर लेटरल एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का उससे जानने से पहले बात करते हैं टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉयड नाउ वट इज दोटल सर्फेस एरिया दैट इज इक्वल टू टू इन टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल टोटल सिक्स फेसेस होते हैं एक क्यूबॉइड के और उन सिक्स के सिक्स फेसेस में से दो 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 क्यूबॉइड्स जो हैं रेक्टेंगल्स uh, जो हैं फेसेस जो हैं वो बिल्कुल कॉन्ग्रवेंट होते हैं जैसे जिस रूम में मैं अभी बैठी हूँ या हमारे व्यूअर्स बैठे हैं या जैसी शेप अभी हमने यहाँ पर भी देखी थी तो इसका अपर फेस और लोअर फेस एक दूसरे के कॉन्ग्रवेंट है ठीक इसी तरह से इस तरफ वाला फेस और ये फेस कॉन्ग्रवेंट है and this this particular phase is congruent to this one, All right? तो अब बात कर लेते हैं कि इनका सरफेस एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का सरफेस एरिया होता है मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड अभी इस रेक्टेंगुलर फेस के लिए टू हाइट सो द एरिया बिकम्स एल इंटू एच सो ऑल six faces का जब एरिया हमारे viewers निकाल लेते हैं, बी एच प्लस एच एल एरिया की तो लिटरल टॉप एंड बॉटम को छोड़कर बाकी जो चारों फेसेस हैं, जैसे कि जो रूम है इसकी अगर चारों दीवारों की बात करें mm -hmm. मैं कहती हूँ मुझे व्हाइट वॉश करना है ऑल द फोर वॉल्स को करना है अभी विंडोज और डोर को हम निगलेक्ट करने करके बात करते हैं छत को और फ्लोर को तो वाइट वॉश में यहां पर नहीं कर रही फोर वॉल्स की बात जब करते हैं तो हमें निकालना होगा लिटरल सरफेस एरिया विच इज डेफिनेटली इक्वल्स टू टू इन टू बी एच प्लस एच एल और अगर हम हाइट को कॉमन ले लेते हैं देन द फॉर्मूला बिकम्स टू एच इंटू एल प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स ठीक इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि हम इस क्यूबॉइड शेप का जो रूम है उसका छत को भी सीलिंग को भी हमें वाइट वॉश करना है तब सीलिंग विच इज एल इंटू बी ऑल राइट अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉयड वॉल्यूम इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द बेस एरिया ऑफ द बेस बेस की शेप एक रेक्टेंगल है और अगर आप एक रेक्टेंगुलर शेप को बहुत सारी रेक्टेंगल्स रख देते हैं डायगेल डायगेल the हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएंगे दैट इन दिस शेप फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर आप ये लेंथ ड्रॉ करते हैं दिस इज डायगनल और डायग्नल ऑफ़ द क्यूबॉय निकालने के लिए जो फॉर्मूला है क्यूब नाउ क्यूब इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्यूबॉय जिसके लिए ब्रेड और हाइट तीनों चीजें इक्वल हो जाती हैं एंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज सिक्स ए स्क्वायर डिट्रल सर्फेस एरिया इज फोर ए स्क्वायर वॉल्यूम इज डेफिनेटली ए इंटू ए इंटू ए विच इज ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स और अगर बात करते हैं डायगनल ऑफ अड क्यूब निकालने की सो द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉयड होता था अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अगर एल बी और एच तीनों चीजें लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल हो जाएं देन द फॉर्मूला बिकम्स रूट एल स्क्वायर plus b square plus h square which is definitely equals to under root of 3 a square and which can further be rewritten as root 3 into a or we can say root 3 multiplied by h of the cube is known as the diagonal of the cube right circular cylinder we already have viewed the shape the shape is this और अगर कर्व सर्फेस एरिया निकालना है इस शेप का सो दैट विल बी इक्वल टू द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट विच इज टू पाई आर मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज एच सो द दर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ आर सिलेंडर टोटल सर्फेस एरिया इज वर्थ टोटल सर्फेस एरिया इज इक्वल टू टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर Why we are taking this टू पाई आर स्क्वायर जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है दैट इज टू पाई आर एच अगर हम अपर सर्कल और लोअर सर्कल इन दोनों एरियाज को भी ऐड कर देते हैं तो हम जानते हैं कि एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर सो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर विच बिकम्स टू पाई आर स्क्वायर दैट्स वाई द टोटल सर्फेस एरिया इज टू पाई आर इन टू एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स

फिगर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट द होलो सिलेंडर इज हैविंग टू फॉर द इनर पोर्शन ऑफ द सिलेंडर फॉर द इनर सिलेंडर द रेडियस हैज ट्रीटेड एज स्मॉल एंड फॉर द आउटर सिलेंडर द रेडियस हैज टेकन एज कैपिटल है अगर मैं निकालना चाहती हूँ अपने होलो सिलेंडर का कर्व सर्फिस एरिया तो हमारे व्यूअर्स ये बात जान ले करफिस एरिया मीन्स वो एरिया जो कर्व शेप में है ठीक है तो आपके पास यहाँ कौन सा एरिया काउंट होगा एक तो दिस वन आउटर पूरे की पूरे सिलेंडर का जो आपका आउटर एरिया है और उसके साथ ही साथ जो इनर सिलेंडर है इसके अंदर का जो ये एरिया आपको ऑब्जॉर्व हो रहा है सेम राउंड शेप में दैट इज ऑल्सो पोर्शन ऑफ द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ दिस होलो सिलेंडर तो व्हाट विल बी द काउट सर्फेस एरिया फॉर दिस कर्व्स ऑफ एरिया ऑफ द आउटर सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द इनर सिलेंडर जिसे आप 2 पाई एच कॉमन लेकर लिख सकते हैं 2 पाई एच आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस स्क्वायर यूनिट्स डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स ये जान लें कि जब भी आप एरिया की बात करते हैं तो स्क्वायर यूनिट्स विल बी देयर क्योंकि एरिया का मतलब है आपके पास रेडियस और हाइट मल्टीप्लाई हो रही हैं या किसी क्यूबॉइड शेप में लेंथ और ब्रेड या तो ब्रेड और हाइट मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यूनिट बिकम्स स्क्वायर डेट्स वाई इन केस ऑफ द एरिया स्क्वायर यूनिट्स विल बी देयर इन केस ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स विल बी देयर इन केस ऑफ सिंपल सर्कम्फ्रेंस ऑफ एनी टू डी शेप और uh, हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ एनी टू डी शेप रेक्टेंगल या स्क्वायर की इन दैट केस ओनली यूनिटर नो स्क्टर यूनिट्स नो क्यूबिक यूनिट्स सो लेट एस डिस्कस अबाउट दोटल सर्फेस एरिया ऑफ दिस होलो सिलेंडर दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग डियर व्यूअर्स टोटल सर्फेस एरिया की जब आप बात करेंगे कर्ड सर्फेस एरिया आपको लेना ही है विच इज टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर एच और उसके साथ ही साथ आपको एरिया लेना होगा जो हम यहां पर हाईलाइट भी करके दिखा रहे हैं दिस एरिया जिससे अभी हम अगर हम बात करें अपने व्यूअर्स को एरिया समझाने के लिए तो बेस्ट तरीका ये होगा कि ऐसा कोई भी एरिया किसी भी शेप का आप माइंड में सोचिए कि मुझे पेंट करना है ऑल राइट तो जहां जहां आपका पेंट ब्रश चल सकता है वो पोर्शन एरिया में काउंट होगा अब ये होलो सिलेंडर है और आप अपना पेंट ब्रश लेकर खड़े हो गए और आप कोशिश करें कि हमारा पेंट ब्रश चल जाए इस पोर्शन में जो बीच में हमें खाली दिखाई दे रहा है पोर्शन uh, ये तो होलो है ना यहां तो हमारा पेंट ब्रश नहीं चलेगा लेकिन ये जो हमने हाईलाइट किया इस पूरे पोर्शन पर आपका ब्रश पेंट ब्रश से आप पेंट कर पाएंगे विच इज शोइंग जो ऊपर वाला सर्कल है आउटर सर्कल से इनर सर्कल का एरिया माइनस करना सेम टू सेम जो नीचे की तरफ हमारे पास आउटर और इनर सर्कल को सबट्रैक्ट करने पर एरिया आ रहा है दैट विल आल्सो बी टेकन सो व्हाट इट इज 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डेफिनेटली रेडिआई को आप अलग-अलग नोटिफिकेशन -अलग से शो करेंगे वी हैव टेकन कैपिटल r फॉर द आउटर रेडियस एंड स्मॉल r फॉर द इनर रेडियस सो द फाइनल फार्मूला बिकम्स 2 पाई

इनर एज वेल एज आउटर सिलेंडर हाइटे स्विंग कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए आप यहां एल्ज्राइक आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं एंड आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर दिस इज ऑल्सो अन तो अगर हम इस कोन के बेस को देखते हैं जैसा कि टू डी शेप में भी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं तो इसकी बेस से सेंटर पॉइंट से जहां से यस yes, आपने हाइट ड्रॉ की है और बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द सर्कल तक दिस इज द रेडियस दिस इज द हाइट ऑफ द कोन अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्ट्रेट हाइट दे दी जाए रेडियस ऑफ द बेस दे दिया जाए और स्लैंट हाइट आपके पास नहीं है तो यू हैव टू कैलकुलेट दैट फर्स्ट और कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आप हेल्प ले पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम की विच इज आल्सो नोन एज बुद्धायन थ्योरम

हम देख लेते हैं कि स्लैंड हाइट हम कैसे निकाल पा रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू अंडर प्लस एच स्क्स एरिया इज पाई आर एल टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द बेस दीन्स प्लस पाई आर कैन फर्दर बी री रिटर्न इंटू एल प्लस आर नाउ द वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वाच ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आप चाहें तो एक मॉडल भी प्रिपेयर कर सकते हैं ये है हमारे पास एक सिलेंडर आपने अभी सीखा था दैट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वाच एंड दिस इज डेफिनेटली अ कोन ओके तो अगर आप किसी भी मटेरियल से सेम बेस रेडियस और सेम हाइट आप देख सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं द हाइट फॉर बोथ ऑफ दी शेप्स आर इक्वल कि अगर आप दो तो वेसल्स लेते हैं जिनमें से एक की शेप है सिलिंड्रिकल और दूसरे की शेप है कोनिकल और आप अपने कोन को किसी भी मटेरियल से लेट मी से कि आपने पानी फिल किया लिक्विड ले लिया या तो आपने राइस चावल भी लिए पूरा इसको अप टू द ब्रिम आपने फिल किया सिलेंडर के अंदर डाल दिया फिर से फिल किया फिर से डाल दिया थर्ड टाइम फिर से फिल किया अप टू द ब्रिम और सिलेंडर को भर दिया तो आप देख पाएंगे इस एक्टिविटी से कि आपका सिलेंडर पूरा ऊपर तक अप टू द ब्रिम थ्री टाइम्स ये एक्टिविटी करने पर फिल हो जाएगा यानी कि सिलेंडर की जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू वन थर्ड इज थ्री टाइम्स दॉल्यूम ऑफ कोन दैट्स वाई आप बोल सकते हैं सिलेंडर

जैसे आपका स्वीट लड्डू आजकल दिवाली फेस्टिवल है घर पे बहुत सारी मिठाइयाँ भी बन रही होंगी तो लड्डू की जो शेप है दैट इज फेयरिकल आपकी फुटबॉल की जो शेप है दैट इज फेरिकल ओके सो स्फीयर के लिए हमें क्या करना है आप जानते हैं कि एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अगर आप सेम रेडियस का स्फीयर लेते हैं और सेम रेडियस के चार सर्कल्स ले लेते हैं ओके okay. इसके लिए आसान एक्टिविटी करते हैं थोड़ा सा आपने ले लिया एक ऑरेंज और उसको पील ऑफ किया और जिस भी रेडियस का आपका ऑरेंज था उसी रेडियस के आपने चार सर्कल्स ड्रॉ कर लिए तो अगर आप उसका जो पील ऑफ किया है आप उसका जो छिलका है वो उन, उन सर्कल्स पर लगाएंगे तो फुली चार सर्कल्स का एरिया कवर अप हो जाएगा एक्स्ट्रा नहीं बचेगा कुछ भी मेटेरियल आपके पास सो द सर्फेस एरिया ऑफ स्वीयर इज फोर पाई आर वॉल्यूम इज़ फोर बाई थ्री पाई आर क्यूमिफियर डेफिनेटली स्पीय का हाफ ओके तो स्पीय के लिए आपने एक चीज नोटिस की कि हमने टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सभी शेप्स का अलग अलग डिस्कस किया लेकिन स्पीयर के लिए हमने सिर्फ बोला सरफेस एरिया क्योंकि स्फीयर में कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं है उसका टोटल जो सरफेस एरिया है वही कर् सरफेस एरिया के इक्वल होता है लेकिन जब आपने हेमिस्फीयर लिया तो हेमिस्फीयर के, के केस में आपके पास ये फ्लैट सरफेस भी आ जाता है ओके अगर मैं इस हेमिस्फीयर को इस तरह से रखती हूँ तो मेरे हैंड को जो नीचे का एरिया टच कर रहा है वो फ्लैट है हालांकि ये स्फीयर हेमिस्फीयर जो है ये ओपन है यहाँ से हम इसके अंदर ऐसा हाथ डाल सकते हैं पेन डाल सकते हैं सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग डिफरेंट थिंग मीन इसके लिए अगर मैं आपको एरिया बोलूंगी तो यू विल हैव टू कैलकुलेट एरिया लेकिन अगर ये यहाँ से फ्लैट सर्कल से कवर अप होता या फिर ये सॉलिड होता वुड का बना होता तो आपको कैलकुलेट करना होता टोटल सरफेस एरिया दैट्स वाई हेमिस्फेयर के केस में कर्ड सरफेस एरिया इज टू बाई आर टोटल सरफेस एरिया इज टू पाई आर स्कर प्लस देश आर स्क्र विच गि नाउ द वॉल्यूम ऑफ अर इज डेफिनेटली हाफ ऑफ द वोल्यूम ऑफ अर विच बिकम्स टू अपॉन थ्री पाई आर क्यूब नाउ लेट इज डिस्कस दाइंड शेप आप देख सकते हैं इस टेंथ की शेप आप देख सकते हैं इस आइसक्रीम कोन की शेप जैसा कि अभी बिगनिंग में हरप्रीत जी ने भी आपको बताया था आप ये कैप्सूल देख सकते हैं बीच से इसकी शेप सिलेंड्रिकल है रूटीन में भी हमने देखी हैं। और दोनों तरफ दो हेमिसफियस दिखाई दे रहे हैं तो एक सिलेंडर और दो हेमिस को मिलाकर बन जाता है एक कैप्सूल इसी तरह से दिस इज डॉल विच इज क्रॉनिकल

एंड सिक्सटी फोर सेंटीमीटर क्यूब है इन दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है और ज्वाइन करने के बाद जो नई शेप आ रही है वट दैट इज आप देख सकते हैं दैट बिकम्स अड एंड ही इज आस्किंग टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड सो फॉर फाइंडिंग दोटल सर्फेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड फर्स्ट सी वट इज द्यूब आपको क्यूब आप जानते हैं दैट द वॉल्यूम मीन्स ए क्यूब और एच क्यूब साइड क्यूब विच इज इक्वल टू 64. 64 सिक्स so 4 क्यूब सो वट इज द वैल्यू ऑफ द एज ऑफ आर वन क्यूब दैट बिकम्स हो और जब आपने इन दोनों को ज्वाइन करके क्यूबॉइड बना दिया आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए ब्रेड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता ब्रेड इज स्टिल इक्वल्स टू फोर दैट रिमेन्स इक्वल्स टू ऑफ़ द क्यूब और एच ऑफ द क्यूब और अगर हाइट की भी आप बात करते हैं हाइट इज ऑल्सो रिमेनिंग द दियर फोर आपके रिजल्टिंग क्यूबॉय के लिए लेंथ ब्रिथ और हाइट क्या हो जाती है लेंथ इक्वल्स टू फोर प्लस फोर मैम ये जो भी आप कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं बहुत इलेबोरेटेड बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ आप समझा रहे हैं शॉर्ट की लर्नर्स बहुत अच्छे समझ रहे और प्रैक्टिस भी करेंगे बट समय हमारे पास अब बहुत कम रह गया है तो हमको यहाँ पर सेशन रैप अप करना होगा अगर कुछ आपकी क्लोजिंग रिमार्क्स है तो मैं बहुत क्विकली आप दे दीजिए जी बिल्कुल तो ये क्यूबॉयड था फॉर्मूला हमारे व्यूअर्स देख चुके हैं जान चुके हैं एंड दिस इज द मेथड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉय लेट एस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आ, हम बहुत ही जल्दी से अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि कोनिकल टेंट है जैसा कि बिगिनिंग में ही हमने बात की थी कि दिस इज अ टेंट जिसका बेस है राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोनिकल शेप जो है दैट इज अबव इट ओके The diameter and height of the cylindrical portion is given to us. What is the diameter that is equals to 126 meter? Jiska vajese radius becomes 63, and the height of the cylindrical portion is 5 meter. The total height of the tent is 21 meter, which tells us what is the height of the conical portion. ट्वेंटी वन माइनस फाइव विच इज सिक्सटीन मीटर तो हमारे व्यूअर्स के पास इस कोनिकल शेप का रेडियस है और हाइट स्ट्रेट हाइट है यहां से हमारे व्यूअर्स स्लैंड कैलकुलेट कर सकते हैं बाई यूजिंग फॉर्मूला द स्लैंड हाइट इक्वल्स टू अंडर प्लस एच स्क्वायर और हमें निकालना क्या है फाइंड दस्ट ऑफ देंट इफ द कैनवे यूज कोस्ट रुपीज ट्वेल्व पर स्क्वायर मीटर तो हमारे व्यूअर्स बस इतना जानेंगे जी. कि जब हम टेंटिंग करते हैं टेंट कभी भी फ्लोर पर नहीं लगता सबसे नीचे यहाँ पर टेंट नहीं लगा Absolutely. तो जो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर बोला गया है उसके लिए दे विल गो फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पोर्शन दोनों के लिए ही रेडियस सेम है सो वी हैव टी हमारे व्यूअर्स कैलकुलेट कर लेंगे और इस फॉर्मुले में ये सभी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा आंसर सामने होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट सामने होगा विच विल बी मल्टीप्लाईड 12 टू गेट दस्ट ऑफ टेंट दैट्स ऑल फॉर टूडे वील मीट विद मच मोर अबाउट द सेम टॉपिक इन नेक्स्ट सेशन थैंक यू सो मच मैम थैंक यू फॉर योर यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेशन बहुत अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट समझाए तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात करी सर्विस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पार्ट वन की जिसमें सविता ग्राफ मैम ने विद एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकली सॉल्व करके क्वेश्चन हमें बताए अब टाइम है कि सेशन को यहीं पर हम रैप अप करें लेकिन उससे पहले लेट्स टेक अ लुक एट द शेड्यूल अबाउट द अपकमिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल द प्रोग्राम्स एट यू हैव ऑलरेडी वॉश्ड जी हाँ देखते हैं हमारी स्क्रीन पे हमारा लाइव शेड्यूल अभी आप देख रहे थे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे क्लास टेन का ही डिफरेंट टॉपिक सोशल साइंस पर जो कि होगा वाटर रिसोर्सेज देन हम आपके लिए लेकर आएंगे अपना एक आ, अलग सेशन डिजिटल इनिशिएटिव ऑन स्वैम पर फोर टू फाइव पी एम एंड फाइव टू फाइव थर्टी का जो हमारा टाइम रहेगा वो रहेगा सहयोग सेशन का जिसमें हम बात करेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट फर्स्ट स्टूडेंट ग्रोथ पर और इसके बाद आ, शाम को साढ़े पाँच से सवा छः बजे के बीच हम आपको लेकर आएंगे स्कूल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम इसके साथ ही मैं हरप्रीत कौर सेशन को यहीं पर रैपअप करती हूँ एंड विल सी यू सोन टिल देन टेक केयर नमस्कार